वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। सो आई होप कि आप सब ठीक होंगे। सो गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि मैं आया हूँ लखनऊ घूमने के लिए दोस्तों के साथ। जैसे कि अभी हम लोगों का मतलब दशहरा पूजा की जो छुट्टी होती है, तो हम लोगों को मिला था 2 दिन के लिए, तो हम लोग चले आए यहाँ सीधा लखनऊ घूमने के लिए, जो कि हमारे घर से तकरीबन 256 किलोमीटर है भाई। तो सुबह इंटरसिटी यहाँ अपने इलाके से चलती है, वहाँ से सीधा पकड़े और हम लोग आ गए लखनऊ। तो अभी हम लोग आए थे अम्बेडकर पार्क, जो कि अभी हम अम्बेडकर पार्क पे ही हैं। तो पीछे भी भाई लोग फ़ोटो शूट कर रहे हैं, वो चलते हैं आपको दिखाते हैं। और यहाँ के अभी थोड़ा मतलब यहाँ का लोकेशन आपको दिखाता हूँ, व्यू यहाँ का व्यू कैसा है, तो आप देखिए उसे फिर बस कॉमेंट करके जरूर बताएगा कि आपको कैसा लगा। सो गाइस, अभी हम लोग खड़े हैं अम्बेडकर पार्क। पार्क में अंदर एंट्री भी नहीं की है, मतलब यहाँ पे देखिए ये जो है वो है अम्बेडकर पार्क। और हम लोग अभी इधर आए थे फ़ोटो शूट करने के लिए, क्योंकि हम लोग लेके आए थे DSLR कैमरा, तो यहाँ से शूट करेंगे तो काफ़ी अच्छा दिखाई देता। तो हम लोग वहीं पे आए थे, तो वहाँ जा रहे हैं हम लोग, देखिए वहाँ। तो चलते हैं अभी आगे, आपको दिखाते हैं भाई लोग उधर फ़ोटो शूट कर रहे हैं। और वो रहा, वो जो आप पीछे देख रहे हैं वो है अम्बेडकर पार्क। ये रहा अम्बेडकर पार्क, और जस्ट उसी के सामने हम लोग इधर खड़े हैं फ़ोटो शूट कराने के लिए। तो अभी कैमरा लिया है, वो मतलब क्लिक करा, आपको दिखाते हैं फ़ोटो कैसे आते हैं वहाँ पे। मॉडल जो है बाइक पे बैठे हुए, और हमारे कैमरा मैन आलोक भाई, आलोक भाई इधर थोड़ा देखेंगे। तो अभी फ़ोटो शूट कर रहे हैं इधर। तो गाइस, यहाँ से आप देख सकते हैं कि मतलब गाड़ियाँ जो है कितनी छोटी छोटी लग रही हैं। हम लोग अभी हैं ऊंचाई पे, देखिए ये है मेन हाईवे और हम लोग इधर हैं ऊँचे, इधर मतलब इतना ऊंचा है। और अभी वो लोग फ़ोटो शूट कर रहे हैं, तब तक मैं आपको यहाँ का और थोड़ा लोकेशन दिखाता हूँ। गाइस, मुझे तो ये जो अम्बेडकर पार्क है ना, ये एक नंबर लगा भाई। गाइस देखो, मतलब हम लोग यहाँ हैं, यहाँ से काफ़ी ऊँचा है वो, देखिए ये क्या नाम है, यहाँ का जो बना है पूरा स्ट्रक्चर जो है यहाँ का, काफ़ी तगड़ा लग रहा है भाई। नहीं रहा ये पार्क, कुछ और ही लग रहा है भाई, नेक्स्ट लेवल का। हमारे अफ़ान भाई और कैमरामैन वही आलोक, देखते हैं फ़ोटो कैसे आ रहा है अभी इनका। सो वहाँ पे हमने अम्बेडकर पार्क में फ़ोटो वोटो शूट कर लिया था, तो वहाँ से हम लोग फिर आगे सीधा यहाँ रूमी गेट पे। तो अभी थोड़ा इसका भी व्यू दिखाता हूँ, फिर देखिए कैसा है। सो गाइस, ये है रूमी गेट, जो कि कुछ इस तरीके से दिखता है। इसकी ऊंचाई 18 मीटर बताई जाती है। इसको सन 1783 ईस्वी में बनाया गया था। इसके बारे में बताया जाता है कि जो नवाब वाजिद अली थे, वो मतलब लोगों को रोज़गार देने के लिए ये गेट बनवाया था, कि लोगों को रोज़गार मिले, वो काम। तो जैसे कि आपको बताया था कि हम लोग DSLR लेके गए थे, तो अभी आलोक भाई जो है वो हमारी फ़ोटो शूट कर रहे थे, तो कुछ इस तरीके से पोज था हमारा। सो गाइस, वहाँ पे फ़ोटो वोटो खिंचा के हम लोग सीधा चले आए घंटाघर पे, जो कि मतलब देखने में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। हम लोग गए लगभग 4 से 5 के बीच में, हम लोग पहुँचे घंटाघर के पास, जहाँ तकरीबन हम लोग थे 3 से 4 मिनट थे, उससे ज़्यादा नहीं। फिर हम लोग वहाँ से चले गए, निकल गए। सो गाइस, हमने घंटाघर पे फ़ोटो वोटो शूट किया, फिर वहाँ से हम लोग सीधे चले आए लुलु मॉल, जो अभी जो आप लोगों के सामने जो दिख रही बिल्डिंग, वो लुलु मॉल है।
बाहर से कुछ इस तरीके से दिखता है। तो अभी चलते हैं अंदर, पहले चलेंगे गाड़ी पार्किंग करने, फिर पार्किंग करके निकल के फिर अंदर आपको अंदर मिलते हैं। हम लोग अभी लुलु में एंट्री कर चुके हैं, तो अभी आपको लुलु के मतलब थोड़ा रिव्यू दिखाते हैं आपके लिए, देखते हैं यहाँ का मतलब सामान वामान कैसा है और थोड़ा बैकग्राउंड भी दिखाते हैं आपको। तो गाइस सबसे पहले हम लोग चलते हैं गेम जोन के पास, जहाँ मतलब काफ़ी सारे गेम्स होते हैं, तो आगे हम लोग वहीं पे जा रहे थे, फिर वापस नीचे जाएंगे और भी रिव्यू मतलब और वीडियो दिखाएंगे आपको। तो अभी हम लोग आए थे गेम जोन में, यहाँ हर टाइप का गेम है, आप यहाँ पे आइए, टिकट कटाइए, खेलिए और इन्जॉय कीजिए। To me if I do जहाँ पे यहाँ पे आपको सारी कंपनियाँ और सारी वैराइटीज़ आपको मिल जाएंगी इन सारे शॉप पे, आई मीन मॉल के अंदर जो शॉप है उस पे। यार अभी लुलु में घुसते ही मतलब नेक्स्ट लेवल का मजा आ गया भाई, जैसे जहाँ से हम लोग घुसे गाड़ी पार्किंग किए वहाँ से लेके यहाँ तक फुल एसी भाई, और फुल फ्री, मतलब आपको अगर सामान लेना है तो उसका पैसा लगेगा, और मतलब आपको आप आइए यहाँ घूमिए, पूरा सामान लेके चेक कीजिए, उसका पैसा नहीं लगेगा। तो अभी हम लोग हैं यहाँ, क्या बोलते हैं, रेस्टोरेंट टाइप का है, तो अभी हम रेस्टोरेंट पे हैं, वहाँ पे फिर थोड़ा आपको दिखाते हैं साइड का रिव्यू, तो वो देखिए फिर और आप लोग बताइएगा कि कैसा लगा। सो यहाँ पे डोमिनोज मिल रहा है भाई, देखिए ये देखो यहाँ भीड़ देखो, हम लोगों को तो मतलब खाना होता तो पूरा लुलु खा लेते, लेकिन खाने का आज मन नहीं है, इसलिए हम लोग खाली आज घूमेंगे, पैसा भी नहीं है, प्लस बुलेट और स्कूटी से तो भाई पूरा लखनऊ घूमने का अलग लेवल का मजा। यहाँ देखो काफ़ी अच्छा अच्छा चीज़ मिलता है यहाँ पे, मतलब आप अगर एक बार लुलु में आ गए तो फिर आपको यहाँ से जाने का मन नहीं करेगा। इधर देखिए भाई, ओ भाई 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 भाई, भाई। एक नंबर नंबर, पिज्जा हट एंड मैंगो, सब मतलब ए टू जेड आपको पूरा मिल जाएगा, कोई भी चीज़ आपको चाहिए। गाइस आपको बता दूं कि आगे जो लिफ्ट होता है वहाँ पे जब हम लोग गए तो ये भाई साहब जो हैं मतलब दो बंदे उधर से फ़ोटो शूट करते हुए लिफ्ट से आ रहे, तो ये उनको मतलब अलग लेवल का जो मज़ा नहीं होता भाई, मज़ा दिला दे, मतलब वो भाई लोग चश्मा लगा के आराम से इतने अच्छे से फ़ोटो खींचा ही मतलब क्लिक करते हुए जा रहे हैं, लेकिन ये मतलब माने नहीं उन लोगों का। हम लोग ऊपर जाने वाले, देखिए ऊपर क्या है, ऊपर देखते हैं ऊपर क्या है, मतलब काफ़ी ओपी लग रहा है भाई, इधर आने के बाद तो चलते हैं अभी ऊपर, देखते हैं एडवेंचर पॉइंट इधर है, मतलब इधर जितना है सब बच्चों के लिए, तो चलते हैं फिर नीचे और उधर का थोड़ा रिव्यू दिखाते हैं आपको। सो गाइस अभी हम लोग नीचे आते हुए, हमारे साथ हमारी पूरी टीम
जो भाई यहीं के हैं लखनऊ के, और वो भी भाई यहीं के हैं, और ये भाई भी लखनऊ के हैं, इन्होंने हमारी काफ़ी साथ दी। ओ भाई, और इधर देख सकते हैं काफ़ी सारा लिफ्ट, मतलब ये बंदा जो है किसी को भी घिस सकता है, कुछ भी कह सकता है भाई। नेक्स्ट लेवल का मजा लेते हो भाई तुम, ये मत दिखा। चलते हैं फिर आगे, थोड़ा और रिव्यू करते हैं। आप यहाँ से मतलब भाई यार काफी ओपी एरिया है पूरे लुलु मॉल का, मतलब नक्शा कहाँ पे क्या है हर चीज मतलब इसमें दिया है। आप इसमें देख के भी कहीं पे भी जा सकते हैं। लोग हमको छोड़ के मतलब वहाँ से निकल लिए, मैंने आपको मैप दिखाने में बाज गया, अब ये लोग उधर से निकल लिए भाई, तो अभी मतलब दौड़ते दौड़ते इन लोगों के पास आए। इधर देख सकते भाई सब कैंटीन है इधर भाई, सब ये क्या है, सब कैंटीन है ना सब? अरे यार भाई क्या बोल रहे हो भाई, क्या बोल रहे हो भाई, फिर घूमे टाको बेल। अब चलते हैं नीचे, फिर नीचे चलना भाई, नीचे चलना है, नीचे नहीं फिर ऊपर। अरे यार अब कहाँ जाओगे, इसके ऊपर तो छत है। चलते हैं भाई, फिर लिफ्ट का यूज करते हैं एक बार और, हमें लगता है फिर दोबारा आना पड़ेगा। और भाई भाई सामने देखो, जैसे कोई मतलब क्या बोलते हैं किसी खिलौने का घर जो नहीं होता है, सेम उसी तरीके से पूरा डिजाइन है भाई। आप यहाँ से लुक देख सकते हैं, मतलब काफी ओपी, ये देख सकते हैं भाई 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 क्या लग रहा है, मतलब एक नंबर का भाई पूरा। अच्छा तुम भेज देगा। We're brave and brave.